हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, 9:30 बजे के टाइम पर मेरा उठना हो गया था। फिलहाल मैंने नहाना धोना सब कर लिया है, सो अभी सिर्फ खाना है कुछ, क्योंकि उसके बाद फिर सोचेंगे कहीं घूमने फिरने का। तो अभी खा लेता हूँ, उसके बाद में फिर शुरू करेंगे मस्ती। सो फाइनली गाइस, मैं हो गया हूँ अभी रेडी, और आज जुमा है, सो पहले पढ़ लेता हूँ नमाज, और नमाज के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ अभी। तो अभी पहले नमाज़ पढ़ के आता हूँ, तब तक का फ़ोन चार्जिंग पर लगा देता हूँ यहीं पर, तो क्योंकि घूमने जाएंगे तो बैटरी चाहिए। तो माशाल्लाह नमाज़ हो गई है गाइस, और फ़ोन भी चार्ज हो गया। सो अभी कुछ खा पी लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्लानिंग करेंगे कुछ घूमने की, या जो भी करेंगे। सो कुछ प्लान करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कहाँ क्या करना है। सो अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले कुछ खा लेता हूँ। तो गाइस, फाइनली सारे काम हो गए, खाना पीना एकदम डन हो गया है, नमाज़ माशाल्लाह हो गई, और अब मेरा जो इरादा है यहाँ से हुमायूं टॉम जाने का। हुमायूं टॉम कभी नहीं गया हूँ, सो आज मैं पहली बार जाऊँगा हुमायूं टॉम, और हुमायूं टॉम देखते हैं कैसा रहेगा। काफ़ी बड़ा है, और मैंने इमेजेस गूगल पर सर्च किए, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सो आज चल रहे हैं हुमायूं टॉम, तो हुमायूं टॉम देखते हैं कैसा रहेगा। आज का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होगा जाने का, सो मैं देखूँगा, जो होगा कोशिश करूँगा आपको भी दिखा सकूँ, बट अभी जा रहा हूँ मैं हुमायूं टॉम। तो अभी निकलते हैं बाहर। तो फाइनली गाइस, मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूं, बाय मेट्रो ही चलेंगे आज भी। ये है अपना एस्केलेटर। तो मेट्रो से बाहर आ गया हूं गाइस अभी। फिलहाल गाइस मैं ऑटो से उतर गया हूं, और मैं हुमायूं टॉम के बहुत पास में पहुंच गया हूं, मेरे सामने ही है बोर्ड लगा हुआ। तो अभी चल रहे हैं अंदर। तो गाइस, एंट्रेंस गेट पर चाचा वेट चेक करवा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ वेट चेक कर लूँ आज, कितना कम हो गया देखता हूँ। तो ये चाचा जो एंट्रेंस गेट है इसका, वेट मशीन लेकर बैठे हुए हैं, उस मशीन से मैंने चेक किया, अभी 60 kg है, जबकि मेरा वेट 65 होना चाहिए। तो ये सामने टिकट काउंटर है, मैं टिकट ले लेता हूँ पहले एक। तो फाइनली मैंने एंटर कर लिया है हुमायूं टॉम का जो मेन एंट्रेंस था, वहाँ से अंदर आ गया हूँ, टिकट ले लिया था मैंने, 35 rupees का टिकट मिला इसका। तो गाइस, ये ईसा खान का मकबरा है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्टोन पर। अभी चल रहे हैं इसके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर मकबरा। फोटो खींचना मना है, कैमरा ऑन करना मना, सामने खड़ा सिक्योरिटी वाला है। इसके अंदर दो कब्रें बनी थी बड़ी, दो कब्रें छोटी थी शायद। अंदर से मस्जिद देख लेते हैं गाइस कैसी है। अरे वाओ, सुपर्ब। ये अंदर से इस तरह की, इधर को सीढ़ियां भी बनी हुई अंदर ऊपर जाने के लिए। ऊपर का रास्ता बंद लग रहा है भाई साहब। ऊंचा। तो गाइस, ईसा खान का मकबरा और मस्जिद घूम लिया है, अभी जा रहे हैं मेन मकबरे में, जो मेन बड़ा सा मकबरा बना हुआ है। इस गेट का नाम अबू हलीमा गेट है, और मेन जो हुमायूं टॉम है वो उधर है, वहाँ बाद में चलेंगे, पहले ये देखते हैं क्या है। अभी चलते हैं सामने। वही लगभग मैं पहुँच ही गया हूँ, लेकिन पहुँचने से पहले बाहर इसके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सो इनको थोड़ा सा रीड करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो सब कुछ ओके है गाइस, मैंने समझ लिया है क्या लिखा हुआ था। तो अभी फाइनली चलते हैं मकबरे के अंदर, सॉरी हुमायूं टॉम के पास। ये इसका मेन गेट है, और मैं यहाँ से अंदर घुस चुका हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ फाइनली हुमायूं टॉम के बिल्कुल सामने। तो अभी चल रहे हैं इसके पास मेन गेट का, जहाँ से मैं अंदर आया हूँ। कितने बेहद खूबसूरत बना हुआ है, पहले के ज़माने के सामान और चीज़ें आप देखो किस तरह से बनाई गई हैं। एक फाउंटेन भी बना हुआ है ये। तो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ हुमायूं मकबरा के बिल्कुल जो गेट है वहाँ पर, और मैं भी यहाँ से स्टेयर है अंदर को, वहाँ से ऊपर चढ़ूँगा और आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा खड़ी एकदम। बहुत ज़्यादा एकदम गहरा और बहुत खड़ी खड़ी, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा खड़ी है। तो गाइस, आज मैं दिल की बात बताता हूँ आपको, यहाँ आने के बाद जो मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये मेरी प्रजा घूम रही है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हुमायूं टॉम के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं राजा हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है।
मैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है एक तरह का, बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा हूँ। नीचे से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए और आपको दिखाता हूँ मैं, ये टोम है पीछे मेरे। सो अभी और अंदर चलते हैं इसके और इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। तो अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से पीछे से इसका रास्ता है एक बना हुआ, इसके अंदर जा सकते हैं। वहाँ से काफ़ी बड़ा है और सामने दमदमा गुरुद्वारा भी दिखाई दे रहा है गाइस। तो अभी पहले अंदर चलते हैं इसके। अरे भाई साहब इतना बड़ा दरवाज़ा, गेट देख रहे हो आप, कम से कम 100 फीट की ऊंचाई, 100 फीट तो नहीं होगी लेकिन हाँ 60-70 फीट की ऊंचाई पर इसका गेट बना हुआ है भाई साहब। सामने भी गाइस कुछ बना हुआ है लेकिन क्या बना हुआ है अभी देखना पड़ेगा, नीचे जाऊँगा तब देखूँगा। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हुमायूं का मकबरा देखते हैं अंदर से। ये हुमायूं का मकबरा है और इसके साइड में देखिए एक दरवाज़ा वो है और एक वो है, एक ये है और एक मेरे जस्ट पीछे है। सो इन सब में कब्रें बनी हुई अंदर, जो मकबरा बना हुआ है मतलब हर तरह का। तो ये मकबरे हैं छोटे छोटे, अंदर को आ गया हूँ मैं भी। तो ये भी मकबरा है गाइस। इस तरह से 5 काउंट किए मैंने शायद अभी, नहीं सॉरी 4 मैंने काउंट किए थे, 4 हैं इसमें, 4 के अंदर सब में कब्रें बनी हैं अलग अलग। अभी सबको देखते हैं। इस मकबरे के सेंटर में देखिए ऊपर से कुछ लटकाया हुआ भी है। अभी लाइट है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा, लाइट ही है, मैंने लाइट ही हो सकती है। तो गाइस ये था मेन हुमायूं का मकबरा और मैं अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और चीज़ों को घूमता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने काफ़ी घूम लिया है, सब चीज़ों को समझ लिया है, सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ। और इसकी बनावट की बात की जाए तो बनावट इतनी ज़बरदस्त है और इतना अल्टीमेट बना हुआ है, ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है कुल मिलाकर। पहले की जितनी भी चीज़ें ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो सब चीज़ें एक तरह से इस तरह की बनी हुई है, क्योंकि पहले के जो इंजीनियर्स थे एक तरह के, वो इंजीनियर ही बिल्कुल अलग थे। इतने बड़े बड़े स्टोन्स कैसे रखे जाते होंगे पता नहीं, समझ में नहीं आता। पहले तो मशीन्स भी नहीं होती थी बट लेकिन बना हुआ बहुत अच्छा है। तो गाइस मैंने काफ़ी कुछ घूमा, बहुत अच्छा लगा मुझे और बिल्कुल ही अलग तरह का बना हुआ है। लेकिन किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाओ आप तो उसका अलग ही मज़ा होता है, मतलब उस जगह का उसका अंदाज़ ही अलग होगा। तो यहाँ का बिल्कुल अलग अंदाज़ था, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। काफ़ी लगभग 2-2.5 घंटे मैंने घूमा यहाँ पर और काफ़ी देर रेस्ट भी किया था। एग्ज़िट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी घूम लिया है, पसीने में हालत ख़राब हो गई है, थक भी गया हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है, क्योंकि इतने पुरानी चीज़ें आज भी एकदम खड़ी हैं, 100-200 साल पुरानी, कुछ भी नहीं हुआ है इनमें, जबकि एक टाइल का टुकड़ा तक नहीं गिरा है। छोटे मोटे तो डैमेज कहीं होते हैं आइट साइड में लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी चलते हैं बाहर यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ मकबरे के बाहर, वहाँ सामने गेट है, वहाँ से एग्ज़िट कर लूँगा टोकन देकर। और अंदर काफ़ी फॉरनर टूरिस्ट भी आए हुए हैं, काफ़ी क्राउड था, बहुत अच्छा था, बहुत मन लग रहा था। इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने और सीखने को मिली हैं, किस तरह से पहले लाइफ जीते थे लोग, किस तरह की चीज़ें बनी हैं। सो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है अभी। तो गाइस मैं बिल्कुल बाहर आ गया हूँ अभी। अभी मैं 3-4 दिन पहले जब निजामुद्दीन साहब की दरगाह पर आया था उस दिन भी आया था यहाँ पर, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया था जिसकी वजह से अंदर नहीं गया था। तो आज माशाल्लाह घूम लिया मैंने। तो गाइस मुझे एक चेयर मिल गई है, ये बाहर थी बिल्कुल रोड के किनारे पर लगी हुई है। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालत बिल्कुल मेरी भी टोम जैसी हो गई है बिल्कुल। गाइस काफ़ी रेस्ट हो गया है, अब यहाँ से चलते हैं। फिर मैं फाइनली रोड पर आ गया हूँ, यहाँ से अब मैं बाय बस या ऑटो से वेस्ट ऑफ वंडर जाऊँगा, वहाँ पर भी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और पास में ही है। अब इधर आना होगा कि नहीं होगा इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी उसको कवर कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ से चलते हैं वेस्ट ऑफ वंडर। बस का सफ़र हुआ पूरा, भैया ने मुझे सरायकाले खां मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर छोड़ा है, यहाँ से मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, मैं वॉक करके जाऊँगा, बगल में ही पार्क बना हुआ। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ वेस्ट ऑफ वंडर, अब मैं आपको दिखाता हूँ वेस्ट टू वंडर, सॉरी इसका नाम वेस्ट टू वंडर है, मैं वेस्ट ऑफ वंडर बता रहा था। तो आपको ये गेट है तो अभी इसका भी टिकट होगा, मैं ले लेता हूँ टिकट है इसका, टिकट काउंटर ये है, 50 रुपये का टिकट है, टिकट मिल गया है, अभी चलते हैं अंदर। इस पार्क का नाम है वेस्ट टू वंडर और मैं भी अंदर आ गया हूँ, मैं सोच रहा था वेस्ट ऑफ वंडर तो वो गलत था, वेस्ट ऑफ वंडर वेस्ट टू वंडर कह सकते हैं लेकिन वेस्ट ऑफ वंडर भी। बट अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। अब
तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ इस पार्क में क्यों आया हूँ और इस पार्क के अंदर क्या चीज़ है। इस पार्क के अंदर 7 अजूबे जो दुनिया के अंदर हैं, जो बड़े लेवल पर बने हुए हैं, वो यहाँ पर उनके छोटे छोटे सैंपल टाइप के बने हुए डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ 7 के 7 अजूबे यहाँ पर। तो गाइस ये है पहला पिरामिड ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट में बना हुआ है। सो वो पहला जो वंडर है वो ये है। तो अभी दूसरे के पास चलते हैं, देख सकते हैं आप, इसको दिखा देता हूँ पूरी तरह से। इस तरह से बना हुआ है, इसकी हाइट थोड़ी कम है लेकिन ये मॉडल टाइप के बनाए हुए हैं। और इसको मैंने करीबी से देखा तो ये लोहे का आयरन का जो एंगल होता है, जो एंगल होता है सॉरी, उस इंजन से बना हुआ है। तो अभी गाइस देखते हैं दूसरा क्या मिलता है। अभी गाइस मेरे जस्ट सामने लीनिंग ऑफ पिज़ा ये है बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। ये है लीनिंग टावर, ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, लेकिन ये जो लोहा होता है उसका वेस्ट मटेरियल उस टाइप से बनाया हुआ है लोहे का, बहुत अच्छा है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। तो अभी ये देख लिया है दूसरा, एक वहाँ देखा था हमने, अभी दूसरा ये देख लिया पिज़ा, अभी आगे चल रहे हैं। तो गाइस मैं अभी ऐसे टावर के सामने आ गया हूँ जिस टावर को देख कर आप एकदम समझ जाएंगे, टावर को देख कर आप वैसे ही पहचान लेंगे मैं किस टावर की बात कर रहा हूँ। तो ये है एफिल टावर, देखिए काफ़ी अच्छा बनाया है, मैं आपको बैक कैमरा से और दिखाता हूँ। पूरा लोहे का बनाया हुआ है, ये एफिल टावर है। इस टावर को देखकर समझ सकते हैं आप ये कहाँ का है। अभी तक का सारे टावरों में मुझे सबसे अच्छा एफिल टावर लगा। इसके पहले वाला टावर भी अच्छा था लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। सो अभी देखते हैं 4th, ये 3 हो गए, अभी चौथे में देखते हैं चौथा क्या मिलेगा। तो 3 अजूबे देख लिए गाइस, अभी 4th, 5th, 6th, 7th यानी कि 7 वंडर हैं तो 7 के 7 इस पार्क में बने हैं। अभी देखते हैं चौथा वंडर हमें पहले क्या मिलेगा देखने को। तो फाइनली गाइस मैं आ गया, चौथा वंडर है कोलोसियम जो रोम इटली में है, देख सकते हैं आप मेरे सामने है। और ये जो लोहा लगा हुआ है ना, सारा वेस्ट लोहे को इन लोगों ने यूज़ किया है और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चारों साइड से इसको। तो अभी मैं जा रहा हूँ 5वें अजूबे की तरफ को और 5वें अजूबे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। यह है 5वां अजूबा, आप देख सकते हैं सामने ताजमहल है जो पूरा बिल्कुल एकदम लोहे से बनाया हुआ और कितना अच्छा बनाया हुआ है ये देखिए आप, दिखाता हूँ आपको जूम करके। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा बना हुआ है ताजमहल, सेम बना हुआ है बिल्कुल, लेकिन ये ब्लैक है और वो आपको पता है वो बहुत छोटा सा साइज है इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो गाइस ये है दुनिया का 5वां अजूबा जो ताजमहल आगरा में बना हुआ है और यहाँ पे भी उसका फेस दिया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अभी चलते हैं 6ठे, जो 6ठा यहाँ का दुनिया का एक वंडर है वो देखते हैं कौन सा। 5 वंडर देख लिए अभी, अब देखते हैं 6ठा जो अभी देखा था ताजमहल वाला, वो हमारा इंडिया का जो है वो 7वां अजूबा है दुनिया का। तो अभी हम 7वां 6ठे के पास आ गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको क्या है 6ठा। तो गाइस ये है इस पार्क में 6ठा वंडर और ये ब्राज़ील में बना हुआ है, उसकी कॉपी यहाँ ले रखी है हमने और इसका नाम है रियो रिडीमर, इसको रियो रिडीमर बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों में लगे रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं 7वें की तरफ को, 7वां क्या है। तो गाइस फाइनली अब हम देखेंगे 7वां वंडर, वो वंडर कौन सा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ मैं 7वां वंडर, तो चलते हैं आगे। तो गाइस ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, न्यूयॉर्क USA में बना हुआ है ये जो इसका ओरिजिनल है और ये 7वां अजूबा है इस पार्क का। तो अभी मैंने 7 के 7 देख लिए हैं, बाकी इस स्टैचू को देखने के लिए 45 लाख लोग कम से कम एक साल में जाते हैं, जो मैंने इसकी अभी हिस्ट्री देखी थी वो लगभग यही दिखा रही है। तो अभी चलते हैं गाइस आगे को और देखते हैं कुछ और बना होगा। तो बस गाइस फाइनली मैंने 7 के 7 वंडर, रियलिटी में तो खैर वहाँ नहीं देख सकता क्योंकि बहुत पैसा भी लग जाएगा और पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, कभी बहुत पैसा चाहिए उसके लिए और बहुत टाइम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो शायद अभी पता नहीं किस्मत में है कि नहीं है, अभी किस्मत बनी तो देखा जाएगा, पता नहीं अब किस्मत में है कि नहीं, लेकिन मैंने फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें घूम ली है और रियलिटी में भी ऐसी होंगी बट ये यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और बीच में रास्ते में जो चीज़ें होंगी उसको देखते चलते हैं। तो गाइस एक चीज़ समझ में आ गई, इस ब्लॉगिंग के बहाने मैं सब कुछ लगभग यहाँ घूम चुका हूँ दिल्ली के अंदर, सब कुछ मोस्टली लगभग सब कुछ ही घूम चुका हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल्ली के अंदर हर एक चीज़ बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें, सारा इतिहास जो भी है वो दिल्ली के अंदर आज भी आप प्रैक्टिकली और थ्योरिकली जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। तो मैंने यहाँ देखा और बहुत सारी चीज़ों को सोचा समझा,
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक स्टोन है यहाँ पर बैठने के लिए, स्टोन पर बैठ जाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का भी, ये पार्क मेरे को बहुत अच्छा लगा, जबकि इतना छोटा पार्क और इतना अच्छा बनाया हुआ है। वाकई में ये भी एक तरह से वंडर ही हो गया है। सो अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे और चीज़ों को बाहर घूमेंगे, अगर कुछ होगा रास्ते में घूमेंगे, वरना यहाँ से सीधे घर चलेंगे। तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, काफ़ी इन्जॉय कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ बस। तो इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट ऑफ वंडर का, ये सरायकाले खां मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बगल में, वहाँ से 200-250 मीटर की दूरी पर है, उसके अपोजिट बना हुआ है। आप बहुत इजीली आराम से वॉक करके आ सकते हैं, कोई ऑटो रिक्शा या रिक्शा कैब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत सस्ता, 150 रुपये की सिर्फ टिकट थी इसके अंदर। तो अभी मैंने घूम लिया और मैं बैठा हूँ, अभी निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करके। तो गाइस काफ़ी घूमना फिरना हो गया आज भी, तो अब चलते हैं यहाँ से घर, काफ़ी थक गया हूँ मैं, हालत ख़राब हो गई है चल चल के, लेकिन कोई नहीं, मज़ा आया बहुत। अब चल रहे बाहर, तो मैंने यहाँ से फाइनली एग्जिट कर लिया है और मैं जा रहा हूँ मेट्रो, मेट्रो से सीधे घर। तो ये आ गया गाइस मेट्रो स्टेशन हजरत निजामुद्दीन, मेट्रो में बैठेंगे सीधे घर निकलेंगे। तो गाइस फाइनली मेट्रो का सफर आज का भी हुआ यहाँ समाप्त, अब चलते हैं रूम के अंदर। फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब मैं खाने पीने की तैयारी करता हूँ, उसके बाद मैं फिर एडिटिंग करनी है, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है और आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी चला हूँ आज के, मतलब रोज़ ही थक जाता हूँ, बट हाँ आज थोड़ा ज़्यादा टायर्ड लग, मेरे को लग रहा है कि मैं ज़्यादा थक गया हूँ, बट कोई नहीं, इतना तो रोज़ का काम है। तो आप जो है खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कर देना, एंड जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देंगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।